लक्ष्मण भैया आप यहाँ कुशल के तो है ना भैया? अनुज लक्ष्मण भैया, मैं तुमको सीता की देखरेख में छोड़ आया था और तुम सीता को अकेली कुटी में छोड़कर क्यों चले आए यहाँ पर? भैया इसमें मेरा कोई दोष नहीं, क्योंकि जैसे ही आप उस नर को मारने के लिए वहां से निकले, वैसे ही आपकी बहुत ही करुण आवाज कि लक्ष्मण मेरी रक्षा करो, मेरी मदद करो, तो मां ने मुझे विवश कर दिया आपके पास आने को। मैंने अपने जीवन में प्रथम बार भैया आपकी आज्ञा की अवहेलना की है, मुझे क्षमा करना भैया। और सुनो कि हे लक्ष्मण लक्ष्मण क्या क्या है और क्यों इतने उतावले आए और इसलिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। चुप कैसे हो बोलो लक्ष्मण और इतने क्यों घबराए हो? क्या खबर है इतने घबराए से नजर क्यों आ रहे हो? भैया सुनते ही सिर दुख की पुकार और चौकी फिर घबराई माता चौकी मेरा बाम नेत्र और है नहीं जा
मेरा बाप ने अपनी एक कह रहा है कि घटना आश्रम के अंदर घट चुकी है। मुझको ये मालूम पड़ रहा है कि सीता आश्रम में नहीं है। नहीं भैया, ऐसी बात मत करो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं जब वहां से आया था तब भी माँ को मैंने सचेत किया और उन्हें अपनी शक्ति के द्वारा माँ को सुरक्षित करके आया था। भैया माँ आश्रम पे जरूर होनी, ऐसा मत सोचो। चलो चलो भैया।